सो फाइनली यामाहा कंपनी अपनी प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक को भी बहुत ही जल्द हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च करने वाली हैं, जो कि टोटल 5 बाइक्स को हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च करने वाली हैं, जिस पर दोस्तों नेकेड स्पोर्ट बाइक भी शामिल रहने वाली हैं और साथ ही साथ फुल फेयरिंग स्पोर्ट बाइक भी शामिल रहने वाली है। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ कि यामाहा कंपनी ने जो है हाल ही में एक इवेंट रखा था, जिस पर कि दोस्तों उन्होंने शोकेस किया था कि वो जो है अपनी टोटल 5 बाइक्स को जो है हमारे इंडियन मार्केट पे बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाली है। अब यहाँ पर दोस्तों यामाहा कंपनी कौन कौन सी बाइक को हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च करने वाली है उसके बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों यामाहा कंपनी अपनी MT-03 को लॉन्च करने वाली है, जिस पर कि दोस्तों आप लोग को 300 सीसी का ट्विन सिलेंडर पावर फुल इंजन देखने को मिलेगा, जिसका लुक दोस्तों आप लोग को MT-15 के जैसा ही देखने को मिलेगा, जो कि एक नेकेड बाइक होने वाली है। बट इसका जो लुक है दोस्तों वो आप लोग को MT-15 से ज्यादा मस्कुलर देखने को मिलेगा। सेकंड बाइक के बारे में बताऊं तो वो होने वाली है दोस्तों यामाहा कंपनी की R3, जो कि ये जो है दोस्तों फुल फेयरिंग वाली एक स्पोर्ट बाइक होने वाली है, जिसका लुक दोस्तों आप को R15 वर्जन 4 से इंस्पायर्ड देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो है R15 वर्जन 4 से जो है ज्यादा बड़ी बाइक होने वाली है, ज्यादा आप लोग को मस्कुलर देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यामाहा कंपनी अपनी सुपर बाइक्स को भी लॉन्च करने वाली है, जिस पर कि दोस्तों यामाहा कंपनी अपनी MT-07 को लॉन्च करने वाली है, जिसका लुक दोस्तों आप लोग को बहुत ही ज्यादा मस्कुलर देखने को मिलेगा और इसका भी लुक दोस्तों आप लोग को MT-15 से ही इंस्पायर्ड देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यामाहा कंपनी अपनी R7 को भी लॉन्च करने वाली है, जो कि फुल फेयरिंग वाली सुपर स्पोर्ट बाइक है, और इसके अलावा यामाहा कंपनी अपनी MT-09 को भी लॉन्च करने वाली है, जो कि ये भी जो है एक नेकेड स्पोर्ट बाइक होने वाली है, जो कि दोस्तों ये भी आप लोग को देखने में जो है MT-15 की तरह देखने को मिलेगी, बट ये जो है MT-09 है दोस्तों, ये जो है एक सुपर बाइक है। तो यहाँ पर यामाहा कंपनी कुल अपनी 5 बाइक्स को जो है बहुत ही जल्द हमारे इंडियन मार्केट पे लॉन्च करने वाली है, जो कि कब तक लॉन्च करेगी उसके बारे में आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। अब यहीं पर दोस्तों मैं आप लोग को एक और बात बता दूँ कि इन सभी बाइक्स को जो है यामाहा कंपनी ऑलरेडी बेच रही है, जो कि हमारे इंडिया के बाहर इंटरनेशनल मार्केट पे बेच रही है। बट यहाँ पर यामाहा लवर्स के लिए गुड न्यूज ये है कि इन सभी बाइक्स को जो है बहुत ही जल्द यामाहा कंपनी हमारे इंडियन मार्केट पे भी लॉन्च करने वाली है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को इन बाइक्स के फीचर्स के बारे में भी बता देता हूँ कि इन बाइक्स में जो है आप लोग को क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। वैसे तो आप लोग को इन सभी बाइक्स में जो है एक से एक फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि सभी गाड़ियों पर दोस्तों आप लोग को जो है फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, जिस पर कि आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा सभी गाड़ियों पर दोस्तों आप लोग को ऑल LED लाइटिंग का सेटअप देखने को मिलेगा, जिस पर कि दोस्तों आप लोग को फ्रंट पे जो है प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सभी गाड़ियों पे आप लोग को USD सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है फ्रंट पे, और रेयर पे दोस्तों आप लोग को मोनो का सस्पेंशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पे दोस्तों आप लोग को सभी बाइक्स पे जो है क्विक शिफ्टर भी देखने को मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिलेगा और स्लीपर क्लच वगैरह तो देखने को मिलेगा ही। इसी के साथ आप लोग को इन सभी बाइक्स में जो है सेफ्टी वाइज साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर और डुअल डिस्क ब्रेक के साथ जो है डुअल चैनल ABS वगैरह भी देखने को मिलने वाला है। अब यहीं पर दोस्तों अगर मैं आप लोग को इन बाइक्स के लॉन्चिंग के बारे में बताऊं तो इन बाइक्स को जो है यामाहा कंपनी एक एक करके 2023 के एंड तक लॉन्च कर देगी। बट यहाँ पर ये जो यामाहा कंपनी की MT-03 है और ये जो यामाहा कंपनी की R3 है, इन दोनों बाइक्स को जो है यामाहा कंपनी जल्दी लॉन्च करने वाली है, जो कि आने वाले 1 से 2 महीने के बीच में ही इन बाइक्स को यामाहा कंपनी लॉन्च करने वाली है। तो अब आप लोग बताएं दोस्तों कि आप लोग को इन यामाहा कंपनी की बाइक्स के बारे में क्या लगता है, नीचे अपना ओपिनियन कॉमेंट बॉक्स पे जरूर लिखेगा। तो इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।